और इस वक्त की बड़ी खबर पंपोर से आती हुई, जहां मुठभेड़ में सेना ने आखिरी वार की तैयारी कर ली और अब तक आतंकियों पर दूर से वार कर रही सेना ने ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की मदद ली है और अब सेना हवा से भी आतंकियों को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। अंतिम वार के तौर पर चॉपर को लाया गया और वहां से वार करने की तैयारी। पंपोर में लगातार मुठभेड़, जिसमें अंतिम अस्त्र के तौर पर चॉपर का इस्तेमाल। लगातार मुठभेड़ चल रही थी पंपोर में। ये आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, लगातार मुठभेड़ जिसमें अब आखिरी तौर पर चॉपर के इस्तेमाल का फैसला। जो खबर आ रही है उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। ईडीआई से लगातार धमाके हो रहे, इमारत के हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है और अब उसको अटैकिंग मूड में लाने की फैसला। ये वो इमारत जहां से लगातार मुठभेड़ चलती थी। अब देख रहे हैं काफी बड़ा हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन लगातार मुठभेड़ जारी थी। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है पंपोर में। अभी जस्ट कुछ ही लम्हे पहले जबरदस्त फायरिंग हुई इस बिल्डिंग की हर तरफ से। अभी यहां से भी फायर आया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां फौजी जवान है, बिल्कुल यहां पे पोजीशन लिए हुए हैं और हेलीकॉप्टर ऊपर से घूम रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां से अभी फायर आए। लगता है कि काफी रेंज था, हालांकि थोड़ा सा दूर है ये बिल्डिंग, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी फौजी जवानों ने पोजीशन संभाली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने अलर्ट हैं फौजी जवान हर साइड से। यहां से भी हालांकि बिल्डिंग थोड़ी सी दूर है, लेकिन हेलीकॉप्टर को यहां पे लाया गया है। आप देख सकते हैं इधर से, मैं कैमरामैन से कहूं कि आपको यहां से दिखाए हेलीकॉप्टर की जो मूवमेंट है, यहां से साफ दिख रही है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर से देखा जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है वहां से, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कितना टाइम लगेगा इस एनकाउंटर में। जैसा आप देख रहे हैं एक ही जगह पे जो है वो हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, ऊपर से शायद मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसी भी खबर आई थी कि शायद पैराट्रूपर्स इस बिल्डिंग के अंदर अब गए हैं, जिस तरह की फायरिंग हुई है, लेकिन कह पाना मुश्किल है। सोर्सेज तो ये भी बता रहे थे कि तीसरी मंजिल तक शायद पैराट्रूपर्स गए हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर ऊपर से मूवमेंट मॉनिटर कर रहा है, तो लगता है कि शायद पैराट्रूपर्स अंदर जा रहे हैं, जिसका अब हेलीकॉप्टर में जो है जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह की फायरिंग यहाँ पे हुई, बिल्कुल हम रोड पे ही थे, लेकिन यहाँ से भी काफी फायर आए, जिसके बाद फौज जो यहाँ पे तैनात है इन्होंने पोजीशन संभाल ली। यहाँ बिल्कुल पत्थर लगे हुए हैं, वहाँ पे वो जो पोजीशन संभाले हुए हैं, देख रहे हैं कि कहीं से, क्योंकि फौज जो है हर तरफ से यहाँ पे तैनात है, हर स्पॉट पे फौज को रखा गया है कि अगर कहीं से भी मिलिटेंट भागने की कोशिश करें तो यहाँ हर तरफ से चप्पे चप्पे पे फौजी जवान जो है वो तैनात हैं, अगर कहीं से भी उनको मूवमेंट लगती है तो वो फायरिंग करेंगे मिलिटेंटों पे अगर वो भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अभी यही कहा जा सकता है कि एनकाउंटर अभी भी जारी है, शायद पैराट्रूपर्स बिल्डिंग के अंदर गए हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन फिर से मैं कहना चाहूंगा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद पैराट्रूपर्स अंदर गए हैं, वो शायद अब रूम्स की सर्च करेंगे, लेकिन फायरिंग रुक रुक के लगातार हो रही है। कैमरा पर्सन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, IBN 7 पांपोर। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला लगातार वहां पर मौजूद है, उन्होंने अभी आपको जो तस्वीरें दिखाई आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फायर जो था वो सड़क के पास जहां पे वो मौजूद थे, ये वो सड़क जहां के उसके पास वो मौजूद थे, लेकिन वहां भी मुस्तैदी के साथ, ये वो बिल्डिंग जहां से लगातार फायर आता हुआ। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, कोई अंदाजा मोटे तौर पर लग पाया है, जैसा कि आप कह रहे थे कि पैराट्रूपर्स को भी उतारने की बात है, विजिलेंस रखा जा रहा है, खास उससे हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमें अभी जो सूचना मिली थी
उसके हिसाब से पैराट्रूपर्स अंदर गए, लेकिन शायद उन्होंने दो जो मंजिल है, दो स्टोरीज जो है, एक तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके अलावा शायद सेकंड फ्लोर वो पहुंचे, शायद उसके बाद वो फिर से बाहर निकले, या तो उनको कोई मूवमेंट लगी या वहां अंदर से फायर आ रहा था या फायर आ गया, उसकी वजह से वो शायद वापस आ गए और फिर से यहाँ पे रॉकेट्स लगाए जा रहे हैं इस बिल्डिंग की तरफ और ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है अभी भी कि कितने मिलिटेंट अंदर हो सकते हैं। पहले ये कहा गया था कि 3 से 5, उसके बाद ये कहा गया कि 3 मिलिटेंट, जो की काफी लोगों ने कंफर्मेशन की थी कि जी। रिफत, आप लगातार नजर बनाए रहे, हम इस अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यहाँ आपको दो तस्वीरें दिखा रहे थे पंपोर की।